हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीपीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 3 विजुअल बेसिक 6.0 का। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से सबसे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लें, उसके बाद आप इस सेशन को कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आईडीई क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है और इसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सबसे पहले लेक्चर 1 2 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा, व्हाट इज एन आईडी, आईडी क्या होता है, इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में। कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले इसका जो है ना आप फुल फॉर्म देखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसको आप कंटेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि आईडीई में ई का मीनिंग क्या है, ई का मीनिंग क्या है, डी का मीनिंग क्या है और आई का मीनिंग क्या है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बावजूद आपके ऑप्शंस में ये भी मिल सकते हैं, इंटीग्रेटेड डिजाइन इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डिजाइन इन्वायरमेंट। एक और इसका फुल फॉर्म हो सकता है इंटीग्रेटेड डिबगिंग इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डिबगिंग इन्वायरमेंट। तो आई का मीनिंग हो गया इंटीग्रेटेड, हमेशा फिक्स है। ई का मीनिंग हो गया इन्वायरमेंट, जबकि डी का आपको 3 मीनिंग दिख रहा है, 3 मीनिंग। डी से डेवलपमेंट भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है और डिबगिंग भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ए बी सी में तीनों ऑप्शन डाल करके और डी में ऑल ऑफ दी अबव कर दे, तो आप ऑप्शन को ध्यान से देख करके तभी टिक करेंगे। इसका फुल फॉर्म से संबंधित बात हो गया। उसके बाद देखेंगे कि आईडी है क्या, तो यहाँ से देखें, इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आईडी इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसे आप ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, आईडी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, करता क्या है, तो दैट हेल्प्स कंप्यूटर प्रोग्रामर्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं उसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने में मदद करता है। कौन मदद करता है, आईडीई। दैट मीन्स कि आईडी एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम डेवलप करने में, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में सहायता करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग इतना पॉइंट देखें। सेकेंड पॉइंट है, आईडीई आर एप्लीकेशंस दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू डेवलप द अदर एप्लीकेशन। ये भी एक एप्लीकेशंस है, कह सकते हैं कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है ये भी क्या है, एक एप्लीकेशंस है जो किसी दूसरे एप्लीकेशंस को डेवलप करने में मदद करता है, या किसी दूसरे एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए क्या करता है, फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, किसी दूसरे एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, आईडीई प्रोवाइड इंटरफेस फॉर यूजर टू राइट कोड। क्या होता है, आईडीई एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब समझ रहे हैं, जो आपके काम को आसान बनाए उसको कहते हैं इंटरफेस। तो ये क्या प्रोवाइड करता है यूजर्स को, तो राइटिंग कोड, यानी कोड को राइट करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऐसा इंटरफेस जिसपे आप कोड को राइट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले हैं। ऑर्गेनाइज टेक्स्ट ग्रुप, उस टेक्स्ट ग्रुप को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू नंबरिंग या सीरियल वाइज आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड ऑटोमेट प्रोग्रामिंग रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, और ऑटोमेटिकली जो है ना प्रोग्राम के रिडंडेंसी को यानी डुप्लीकेशन को जो है ना ये दूर कर देता है। तो ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फैसिलिटी क्या हो गया, कोड राइट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उस कोड को या टेक्स्ट को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जो है ना आपका डुप्लीकेशन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आईडी कंबाइन द फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग प्रोसेस इनटू वन। आईडी क्या है, कंबाइन करता है किस चीज को, फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग प्रोसेस इनटू वन। मल्टीपल प्रोग्रामिंग प्रोसेस को एक साथ कंबाइन करता है। आप कह सकते हैं आईडी इज इकलौता कुछ कोई एप्लीकेशन नहीं, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग का कोड है
जो एक डेवलपर को रिक्वायर्ड होता है वो सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन? आईडीई। नेक्स्ट पॉइंट है एन आईडीई कंटेंस ए कोड एडिटर। देखिए यहाँ पे जो कंबाइन करता है वो क्या क्या कंबाइन करता है वो भी देख लीजिए। कोड एडिटर, जहाँ पे आप कोड को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो हो गया आपका कोड एडिटर। कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है? जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। यानी कंपाइलर भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग लिखते हैं उसको कंप्यूटर समझता नहीं है, तो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसमें कन्वर्ट करने में मदद करता है, कौन? हमारा कंपाइलर। फिर से है आपका इंटरप्रेटर, जो आपके लैंग्वेज को, आपके कोड को इंटरप्रेट करता है उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। डिबगर भी है, तो डिबगर क्या करता है कि आपके प्रोग्राम जब एक्सक्यूट करते हैं तो वहां पे जो भी एरर मिलते हैं उस एरर को जो है ना ये इंडिकेट करता है और उसको दूर करता है, उसको रिमूव करता है। दैट द डेवलपर एक्सेस थ्रू ए सिंगल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि ये सारे चीज जो है ना एक GUI में मिल जाता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मिल जाते हैं। क्या क्या? डेवलपर को, कोड एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और डिबगर। आप कह सकते हैं इन चारों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा आईडीई बनता है। इन चारों को कंबाइन करते हैं तो आईडीई बनता है। तो मतलब कि आईडीई एक बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशंस है जिसमें हमको जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे एप्लीकेशन जो है ना उसमें पहले से रखा हुआ है, उसको हमें सिर्फ यूज कर लेता है, यूज कर लेना है, जिससे हमारा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है विजुअल डेवलपर्स आर ए सब्सटेंशियल बेनिफिट ऑफ आईडी। विजुअल डेवलपर्स करके क्या है? एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इफ एनी बग्स और एरर आर स्पॉटेड, अगर कोई बग्स, बग्स मतलब एरर, वही कह रहा कि बग्स या एरर, तो अगर कोई एरर अगर मिलता है आपके कोडिंग में, यूजर्स आर शोन विच पार्ट ऑफ कोड है प्रॉब्लम्स। तो यूजर को ये दिखा देता है कि आपके किस कोड के पार्ट में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। जहां पे एरर मिलेगा वहां पे आपको इंडिकेट करेगा, देखिए इस पार्ट में जो है ना आपके कोड में एरर दिख रहा है। ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर्स है हमारे आईडीई का। अब इसको लिखने के लिए कौन कौन से की पॉइंट्स होंगे उसको जो है ना आप एक बार जो है ना इंडिकेट कर लीजिए अपने माइंड में। सबसे पहला कि आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट, डी से जो है ना आपको डेवलपमेंट हो सकता है, डिजाइन हो सकता है और डिबगिंग हो सकता है। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे, ये पहला की पॉइंट होगा इसका। उसके बाद आप देखेंगे कि यह क्या है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आपके कोडिंग को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में सहायता करता है। ये सेकंड की पॉइंट्स हो गया। थर्ड की पॉइंट देखेंगे तो कह रहा है कि आईडी आर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड फैसिलिटी टू डेवलप द अदर एप्लीकेशन। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो दूसरे एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आईडी एक एप्लीकेशंस है जो दूसरे एप्लीकेशंस को डेवलप करने में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डेवलप करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट की देखेंगे आईडी प्रोवाइड इंटरफेस फॉर यूजर टू राइट कोड। यह क्या होता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आईडी क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे आप कोड को लिख सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जो है ना डुप्लीकेशन को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आईडी कंटेन्स द फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक प्रोग्रामिंग का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग का कॉम्बिनेशन है एक इंटरफेस पे। और वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग कौन कौन से हैं? देखिए कोड एडिटर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और डिबगर है। तो एक डेवलपर को जो भी टूल्स चाहिए वो सारे टूल्स कहाँ पे कंबाइन किए गए हैं? एक एप्लीकेशन में। और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? आईडीई। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और ये क्या है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और हमारे काम को आसान बनाता है, कौन? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसका सबसे बेस्ट और सब्सटेंशियल बेनिफिट्स क्या है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई कोड में एरर्स हैं तो उस एरर के पार्ट्स को जो है ना आपके सामने इंडिकेट करता है, देखिए आपके इस कोड के पार्ट में जो है ना एरर है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसका बेनिफिट्स क्या है, अगर हम इसे यूज करते हैं तो इसे हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि यह एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस।
यह सिंगल इन्वायरमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें टूल्स, जो भी टूल्स चाहिए एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आईडीई। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली चेक्स फॉर एरर टू इंश्योर टॉप क्वालिटी कोड, यानी कि ये आपके प्रोग्राम के कोड को ऑटोमेटिकली चेक करके एरर को फाइंड कर लेता है, ऑटोमेटिक चेक करता है, आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आपका कोड क्या होता है, टॉप क्वालिटी हो जाता है, क्योंकि उसमें डुप्लीकेशन नहीं होता है। अगर कोई एरर मिलता है तो आपके सामने इंडिकेट करता है, देखिए आपके प्रोग्राम के इस पार्ट में एरर दिख रहा है, आप उसको करेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है रिफैक्टरिंग कैपेबिलिटी, अलाउ डेवलपर्स टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव एंड मिस्टेक फ्री रीनेमिंग चेंजेस, यानी कि यहाँ पे रिफैक्टरिंग कैपेबिलिटीज के पास है, जिससे कि डेवलपर क्या करता है कि अगर कोई मिस्टेक हो रहा है सॉरी, तो उसको क्या कर सकता है, ये रीनेमिंग कर सकता है और उसको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन ए स्मूथ डेवलपमेंट साइकिल, ये बहुत ही स्मूथ डेवलपमेंट साइकिल को मेंटेन करता है। अब इसका जो है ना इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है डेवलपर इफिशियंसी एंड सेटिस्फेक्शन को, यानी कि जो डेवलपर है उसके इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये ऐसा इंटरफेस है जहाँ पे एक ही एप्लीकेशन में सभी टूल्स हमें मिल जाते हैं, जहाँ से हम आसानी से किसी भी काम को कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं प्रोग्राम को, तो इससे क्या होता है हमें एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो इसका मेन बेनिफिट क्या है, मेन बेनिफिट क्या है, तो मेन बेनिफिट ऑफ आईडीई दैट दे ऑफर सेंट्रल इंटरफेस, इसको क्या बोलते हैं सेंट्रल इंटरफेस, इसका जो है ना प्रोवाइड करता है, तो बहुत ही अच्छा है, जो इंक्लूड करता है क्या क्या, तो आप देख सकते हैं कोड एडिटर जो हम लोग अभी देख चुके हैं, कंपाइलर, डिबगर एंड ऑटोमेशन। अब कंपाइल कोड एडिटर का होता है, एक एडिटर है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, कोड को लिख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कोई बदलाव करना कहाँ पे करेंगे कोड एडिटर में। साथ ही ज्यादा तो कंपाइलर मिल जाता है, कंपाइलर क्या करता है, तो जो आप लिखते हैं उसको कंप्यूटर को रीड नहीं कर पाता है, तो उसको जो है ना कंप्यूटर जिस भाषा में रीड करता है उस भाषा में कन्वर्ट करता है, उसको सिंपली बोलते हैं कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, कौन, कंपाइलर। डिबगर है जो डिबग करता है, यानी कि अगर आपके प्रोग्राम के किसी कोड में किसी पार्ट में एरर है तो उसको डिबग, बग मीन्स क्या होता है, बग मीन्स होता है एरर, बग मीन्स होता है एरर, और डिबगर मीन्स क्या होता है, डिबग मीन्स करेक्टिंग द एरर, यानी कि जो एरर को करेक्ट करते करता है उसको बोलते हैं डिबगर। तो एरर को करेक्ट करने के लिए डिबगर हमको मिल जाता है इसमें टूल। और ऑटोमेशन, बहुत सारे वर्क जो होता है ना इसमें ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो ऑटोमेशन टूल है। इसका डिफिनेशन आप देखेंगे तो डिफिनेशन जो है ना आपके नेक्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पे कोलिटर दिया गया है, कोलिटर क्या होता है इसको आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कंपाइलर क्या होता है, ये भी आपका जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो है ना डिबगर है और बिल्ड ऑटोमेशन टूल है, ये सब क्या है आप एक बार इसको रीड कर लेंगे। इसका इंटरफेस इस तरह का मिलता है, और ये जो आपको जो है ना कलरिंग में दिखाया गया, मेनू बार, टूल बार, टूल बॉक्स, फॉर्म है, उसके अंदर प्रोजेक्ट कंटेनर विंडो है, प्रॉपर्टीज विंडो है, फॉर्म लेआउट विंडो है, और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है, ये सारे क्या है, इसे कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, दिस आर द कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, दैट मीन्स कि आईडीई के ये सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं जो आपको कलरफुल में दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आईडीई, तो आईडीई का बेसिक कंपोनेंट क्या है, विजुअल बेसिक आईडीई है, ये कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट, ओके, तो अच्छा है। सेकंड होता है ईच कंपोनेंट हैज अ स्पेसिफिक टास्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच कंपोनेंट हैज ए स्पेसिफिक टास्क, प्रत्येक कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक टास्क है जो उसी टास्क को परफॉर्म करेगा, किसी अदर टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा, ओके। अब एग्जांपल देखेंगे इसका, तो किस तरह का टास्क है, तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इज यूज टू डिस्प्ले द कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है वो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के कंपोनेंट को डिस्प्ले करने के लिए है, और कोई काम वो नहीं करेगा। अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो एंड प्रॉपर्टीज विंडो, अगर प्रॉपर्टीज विंडो है अलाउ यू टू व्यू एंड चेंज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज विंडो क्या करता है, आपके कोड के प्रॉपर्टीज को अलाउ करता है कि आप उसको देख भी सकते हैं, और उसमें कुछ बदलाव करना है तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। द फ्लोइंग आर द कंपोनेंट अवेलेबल इन विजुअल बेसिक, जो आप कलर में देखे उसी को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, देखिए मेनू बार है, मेनू बार, टूल बार, टूल बॉक्स, उसके अंदर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है जो आपके प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करेगा,
उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज विंडो है, प्रोजेक्ट विंडोज है और फॉर्म विंडो है। तो इसका जो है ना पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन जो है ना पीडीएफ में दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्या होता है आईडी, इसका बेनिफिट्स क्या है और इसका कंपोनेंट क्या है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद हम तक वीडियो देखने के लिए।